नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्किल्स पर मैं नरेश गोस्वामी आज फिर आपके सामने देख आया हूँ अपना नया यूट्यूब टॉपिक जो एम सी क्यू हैं प्लम्बर्स थ्योरी से रिलेटेड और आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे आप वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी हेल्प मिल सके इस टॉपिक को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों तक तो शेयर करें तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वाटर क्लोजेट हैविंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रैप एस एंड पी टाइप आउटलेट ए वाटर सील साइज़ ऑफ वाटर सील का साइज़ uh, 25 फाइव एम एम फिफ्टी एम एम सेवेंटी फाइव एम हंड्रेड एम तो सेवेंटी फाइव एम एम ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टैप इज़ यूज फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर पाइपलाइन इन ए सिस्टम स्टॉप कॉक टू और थ्री इन मिक्सर टैप वन इन वन मिक्सर डायरेक्ट मिक्स ऑफ ओ एच टी तो ऑप्शन नंबर बी है टू और थ्री इन मिक्सर टैप टैप पूछा है किस टाइप की यूज हो जाएंगी होल्ड एंड कोल्ड वाटर पाइपलाइन में तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलर ज्वाइंट सेल बी फिनिश्ड ऑफ विद ए फिलेट स्लोपिंग एट ए सरफेस एन एंगल ऑफ 15 डिग्री 25 डिग्री 35 डिग्री 45 डिग्री तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर तो ज्वाइंट का स्लोप पूछा है जब फिनिशिंग करते हैं फिलेट ज्वाइंट में तो वो आएगा 45 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए डिवाइस यूज इन किचन सर्विंग होटल डाइनिंग रूम्स क्लब हाउसेज एंड रेस्टोरेंट इज़ ग्रीस बेसिन यार्ड बेसिन गैराज बेसिन ऑयल कैच बेसिन तो सर्व करने के लिए जो यूज़ की जाती है एसेसरी तो उसको बोलते हैं यार्ड बेसिनस नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉट वाटर सिस्टम एक्सपेंशन वेंट पाइप आर इंस्टॉल्ड ऑन द सिलेंडर एंड बॉयलर बिकॉज़ दे प्रिवेंट एयरलॉक्स ऑफ लाइम सप्लाई कोल्ड वाटर रिलीज एक्सेस स्टीम एंड वाटर तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रिलीज एक्सेस स्टीम एंड वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पंप अटैच्ड विद इम्पेलर एंड पंप इज़ मोनोब्लॉक जेट पंप एयर एयरलिफ्ट पंप रोटेरी पंप तो जो अटैच विद इम्पेलर होता है जो पंप कौन सा होता है वो होता है मोनोब्लॉक पंप तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट तो बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि सभी बच्चे देख सकें नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कटिंग थिन ट्यूबिंग द मोस्ट शूटेबल पिच ऑफ द हैक्स ऑफ ब्लेड इज़ वन पॉइंट एट एम एम जीरो पॉइंट एट एम एम वन पॉइंट फोर एम एम पॉइंट वन एम एम ट्यूबिंग थिन ट्यूबिंग को काटने के लिए कौन सा ब्लेड पिच ठीक रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट एट एम एम पिच ब्लेड यूज टू कट थिन ट्यूबिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होज पाइप फॉर द ऑक्सीजन लाइन होज पाइप का कलर पूछा है uh, कौन सा होगा ब्लैक मैरून रेड ब्राउन तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट टेंसवर जो ऑक्सीजन की पाइप लाइन है उसके लिए कलर ऑलवेज ब्लैक यूज़ किया जाता है होज पाइप का तो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन ड्यूल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का जो ड्यूल सिस्टम है उसका क्या मतलब है कंटिन्यू सप्लाई सिस्टम पंपिंग एंड इंटरमीडिएट सिस्टम ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम ग्रेविटी एंड कंटीन्यू सिस्टम ड्यूल सिस्टम मतलब जिसमें पंप भी किया जाता है और ग्रेविटी से भी पानी को चलाया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर जिसमें दोनों सिस्टम का यूज़ किया जाता है वो होता है ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंस ज्वाइंट ए सीमेंट एंड हेम्पियार बी सक्रू वासर सी नट एंड बोल्ट डी लेड एंड टीन तो जो फ्लेंस ज्वाइंट है उसके लिए मटेरियल पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी आएगा नट एंड बोल्ट इज़ द करेक्ट एंसर ऑप्शन नंबर सी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच क्लियर एंस फ्रोम वॉल

हाइट ऑफ वॉश बेसिन फ्राम फ्लोर हाइट पूछिए फ्लोर से वाश बेसिन की कितनी होनी चाहिए तो एट्टी सेंटीमीटर सेवेंटी सेंटीमीटर सिक्सटी सेंटीमीटर और सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर तो जब वॉश बेसिन की हाइट होती है वह होती है एट्टी सेंटीमीटर फ्राम द फलोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ हाइट ऑफ फिक्सिंग ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टर्न फॉर यूरिनल यूरिनल के लिए जो सिस्टर्न होता है उसकी हाइट एम mm में कितनी होगी 1800 हंड्रेड एम एम नाइनटीन हंड्रेड एम एम सिक्सटीन हंड्रेड एम एम फिफ्टीन हंड्रेड एम एम तो ऑप्शन नंबर बी है जो नाइनटीन हंड्रेड एम एम की हाइट होती है फ्लोर से ऑटोमेटिक सिस्टम होता है नेक्स्ट हाउ मैनी टाइप ऑफ फ्लसिंग सिस्टर्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑपरेशन बेस्ड पे कितने टाइप के सिस्टर्म मार्केट में अवेलेबल हैं फाइव टाइप्स थ्री टाइप्स फ़ोर टाइप्स टू टाइप्स तो टू टाइप्स के सिस्टर हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो ऑटोमेटिक और मैनुअल नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट इज़ द साइज ऑफ़ वेस्ट कपलिंग फॉर किचन सिंक जो किचन सिंक है उसके लिए वेस्ट कपलिंग का साइज़ क्या होगा थर्टी टू एम एम फिफ्टी एम एम थर्टी एट एम एम फोर्टी एम एम तो जो ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी फिफ्टी एम एम इज़ करेक्ट आंसर फॉर वेस्ट कपलिंग फॉर किचन सिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिक और स्टोन यूज्ड इन कॉर्नर मैसेनरी ओफ एवाल इज कार्ड द ब्रिक मैशीनरी पूछिए जो स्टोन यूज किया जाता है कॉर्नर में किंग क्लोजर ब्लैंक स्पेस क्वीन क्लोजर मोरटार तो क्वाइन क्लोजर है जो उसका यूज किया जाता है कॉर्नर पे जो स्टोन होता, होता है या ब्रिक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट एंड यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द मेजर केस इन ए माइक्रोमीटर तो जो माइक्रोमीटर है उसमें रेच्ड स्टोप थिंबल स्पिंडल बैरल तो एंड द यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द मेजरिंग फेस तो किस होता है वो होता है रेचड स्टॉप से एकदम प्रेशर आता है जो वीडियो है उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें बच्चों वट इज द प्लेट विद ए शॉर्ट हैंडल एंड इज यूज मेनली टू होल्ड मोर्टार टार वट इज़ द यूज टूल स्पेड सोल हाक जॉइन फिलर प्लेट पूछे क्या वट इज द प्लेट विद ए शॉर्ट हैंडल तो उसको बोलते हैं हाक जो टूल है उसको हाक बोला जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन एंड विच अदर एलिमेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर तो जो रस्ट है वो रस्ट फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन की वजह से तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना और जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स दोस्तों और हैव ए नाइस डे स्टे ट्यून्ड